बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसका आज लॉकडाउन का पहला दिन है। और ये नज़ारा आप डगमगला चौराहा का मैं दिखलाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो प्रशासन है यहाँ मौजूद है और लॉकडाउन के लेकर कितनी सख्ती बरती जा रही है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि पुलिसकर्मी जो है हर प्रकार के वाहन जो है जो जा रहे हैं उसको चेक किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, उसकी से वजह पूछा जा रहा है कि क्यों आप रोड पर निकले। क्योंकि सरकार ने खास तौर पर आदेश निकाला था कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के आप रोड पर नहीं निकले। और जो भी फल और सब्जी का जो समय है सुबह 7 बजे के लेकर 11 बजे तक का खोलने का अनुमति दिया गया। और ये नज़ारा पटना के डाक बंगला चौराहा का नज़ारा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कम से कम संख्या में लोग मौजूद हैं और जो यहाँ का आवाजाही का जो व्यवस्था है बहुत कम है। सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं नज़र कम आ रही है और हमारे साथ भी हैं यहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी हैं। अगर हम बात करें पटना जिला अधिकारी तो पटना जिलाधिकारी मौके पर मौजूद है और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या कुछ सर क्या कुछ कवायद करें, किस तरह से जो है आप गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। सर किस तरह से कवायद कर रहे हैं सर, आज लॉकडाउन का पहला दिन है। जो जरूरी सेवा है उसी के लिए आवागमन अलाउ किया गया है। इसमें हॉस्पिटल कुछ लोग जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट कहीं जाना है उसके लिए जा रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सरकारी कार्यालय के कर्मी हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग अलाउ किए हैं। ई कॉमर्स सेवा है, उन्हीं लोगों को हम लोग अलाउ किए हैं और बाकी लोगों को अभी प्रतिबंधित किया गया है। और बाकी लोग अगर कुछ हम लोगों को अनावश्यक मिल रहे हैं तो उनको दंडित भी किया जा रहा है। और लगभग 50 जगह पर शहर में हम लोगों ने अपना नाकेबंदी किया है और वहाँ स्क्रीनिंग करके ही हम लोग लोगों को जाने दे रहे हैं। सर रोड पे कई ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह घूम रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई? उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, उनको वापस भी किया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है। सर बॉर्डरों को भी, राजधानी के बॉर्डरों को भी सील कर दिया गया? हाँ, बॉर्डर पर भी हम लोगों ने किया है, नाकेबंदी किया है और वहाँ स्क्रीनिंग करके ही किसी को आने जाने दिया जा रहा है। दुकानें सर कितना बजे से कितना बजे तक कितना बजे तक खुलेगी? दुकानें कुछ दुकान जो हैं किराना स्टोर, दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली, ये सब 7 बजे से 11 बजे खुल रही हैं। बाकी सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं। दिन में सिर्फ मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, इसी प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। 7 बजे से 11 बजे तक कुछ ज़रूरी सामान और ज़रूरी सेवाएं जो थीं उनकी दुकानें खुली हुई थीं, तो उसमें लोग आ जा रहे थे। और बाकी 11 बजे से अभी हम लोग पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। इसमें सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, अगर हॉस्पिटल किसी को जाना है, मेडिसिन लेना है, बस उतना ही अलाउड है। या किसी को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है तो टिकट के साथ उसको अलाउ किया गया है। और बाकी सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के आवागमन को हम लोग बंद कर रहे हैं। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ऑटो है, ये चल रहा है, ये अलाउड है, लेकिन इसकी जितनी कैपेसिटी है उसका 50% ही चलेगा। दुकानें सभी प्रकार की बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिकल स्टोर जो हैं वो ओपन रहेंगे। इवन आपके जो रेस्टोरेंट वगैरह वो भी बंद रहेंगे, वो सिर्फ होम डिलीवरी वो कर सकते हैं और उनका रेस्टोरेंट खुलेगा नहीं, आम लोगों के लिए नहीं खुलेगा। बड़े वाहनों पे बहुत संख्या में जो यात्री आ रहे हैं उस पर किस तरह की रोक लगाई गई है? बड़े वाहन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है, बसेज हैं, तो उसमें 50% जो कैपेसिटी है उसी से वो चलना है, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और बाकी किसी प्रकार का प्राइवेट व्हीकल से नहीं आवागमन होना। कई लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह सड़क पे निकल रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्ती से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सख्ती से निपट रहे हैं। केवल जस्टिफिकेशन अगर कुछ है कि उनको हॉस्पिटल जाना है या दवा लेनी है या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना है, बस वही जस्टिफिकेशन है, या बहुत कुछ ज़रूरी है, तो ई पास अगर उनके पास है तो उनको अलाउ किया जाएगा। अन्यथा सभी प्रकार का आवागमन, सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं, बंद रहेंगी और हम लोग करा रहे हैं उसको। तो आपने जिलाधिकारी से रूबरू हुआ, जिलाधिकारी ने खुद कहा है, साफ तौर पे कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह ना निकले, नहीं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही सब्जी और फल जो इमरजेंसी सेवा है वो उपलब्ध रहेगी।